सब्सक्राइब कीजिए न्यू टेक इजी चैनल को और घंटी के आइकन को दबाइए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यू टेक इजी चैनल। मैं हूं शंकर, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, हमारा जो चल रहा था फोटोशॉप पार्ट सेवन, फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट सेवन चल रहा था, तो एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका फोटोशॉप ट्यूटोरियल पार्ट सेवन में। और हम सीख रहे थे तमाम टूल्स के बारे में, तो चलिए चलते हैं फोटोशॉप के बारे में। हमने जैसा कि पिछले अध्यायों में जो है सीखा है टूल्स के बारे में, मूविंग टूल, रेक्टेंगल टूल और लासो टूल और मैजिक टूल और मैजिक सिलेक्शन टूल। उसके बाद में हम सीखेंगे क्रॉप टूल के बारे में। क्रॉप टूल के बारे में सीखने से पहले आपका समझना जरूरी है वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है। यदि आप वेदर नहीं समझते हैं तो क्या होगा कि आप जो भी इमेज का जो बैकग्राउंड है वो चेंज करेंगे या फिर कटिंग वगैरह करेंगे तो वो काम आपका साफ दिखाई और देगा कि फोटोशॉप से इसे कटिंग की हुई है। काम बहुत ही भद्दासा लगेगा, डर्टी फीलिंग होगी, बहुत ही डर्टी वर्क होगा जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और जब आप जूम करके देखोगे तो वो कटिंग की हुई दिखेगी। या फिर आप देखते होंगे किसी स्टूडियो की पिक्चर को, तो आप देखते हैं कि यार इसकी तो इतनी अच्छी कटिंग हो रही है, लेकिन मेरे जो बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मैचिंग क्यों नहीं होती, या फिर बैकग्राउंड अच्छे से मैच क्यों नहीं होता, मेरी कटिंग साफ क्यों दिखाई देती है, इसकी तो कितनी अच्छी लगती है। वहां पर रीजन होता है वेदर। अब एक्चुअली वेदर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। सिंपली हमको कागज लेते हैं, व्हाइट पेपर ले लेते हैं और उस पर दूसरे व्हाइट पेपर को, कोई दूसरा व्हाइट पेपर, उस कैची को चार कोनों से अच्छे से कैची को कैची से काट कर जब हम उस गोंद लगाकर उस कागज के, व्हाइट कागज के ऊपर चिपकाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो कागज अच्छे से नहीं चिपकेगा। उसका चारों तरफ का जो बॉर्डर है वो आपको साफ दिखाई देगा, अच्छे से आपको वो बॉर्डर दिखाई देगा। लेकिन यदि आप उसी कागज को कैची से कट करने की बजाय आप हाथ से फाड़ोगे तो, और गोंद लगाकर उसे अच्छे से चिपकाओगे, यदि आपका काम साफ है तो वो बॉर्डर चारों तरफ का नहीं दिखाई देगा। कारण उसका यह होता है कि जब भी हम पेपर को फाड़ते हैं, कट करते हैं, तो बिल्कुल कटिंग वाइज चलता है, चौकोर चलता है। लेकिन हम जब भी पेपर को फाड़ते हैं तो क्या होता है, उसमें से कुछ रेसे से बाहर निकल आते हैं जो दूसरे कागज जिस पर हम चिपका रहे हैं, दूसरे व्हाइट पेपर पर, उसके कागज के साथ मैचिंग हो जाते हैं और वो उस पर अच्छे से चिपक जाते हैं, उसका बॉर्डर दिखाई नहीं देता। फाड़ते ही कुछ रेसे निकलते हैं, आप देखोगे एक बार जरूर, तो वो रेसे उसमें चिपक जाते हैं। यही काम वेदर का होता है, सॉरी फेदर का होता है। फेदर के बारे में हम समझ लेते हैं। फेदर के बारे में समझने से पहले आप, हम इसको इस इमेज में फेदर डालकर मैं आपको बताऊंगा। इसको हम सिंपली मैजिक टूल की सहायता से सिलेक्ट कर लेते हैं। मैजिक टूल क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था। सिंपली हम शिफ्ट को फ्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि दोनों तरफ का एरिया एक साथ कवर हो जाए। देखिए मैं शिफ्ट फ्रेस करते हुए इधर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए बीच में से जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी एक मिनट रुकिएगा, सबसे पहले आप इसका टॉलरेंस हम बढ़ा लेते हैं। टॉलरेंस क्या होता है पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब मैजिक टूल्स के बारे में मैंने बताया था, तो हम मैं टॉलरेंस बढ़ा करके 50 कर लेते हैं ताकि अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। तो शिफ्ट के साथ में फिर से फ्रेस करते हुए इन दोनों को, सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट करते हुए चलिए, जो भी बालों में व्हाइट कलर आ रहा है उसको सिलेक्ट कर दीजिए। वैसे तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन ले लेता है, देखिए लगभग इसने सिलेक्शन ले लिया है व्हाइट कलर का, मुझे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये देखिए और सारा सिलेक्शन लगभग हो चुका है, इतना ही सिलेक्शन बाकी था जो मैंने ले लिया। यहाँ से थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये देखिए ये अच्छी तरह से सिलेक्ट हो गई। अब आप इस ब्रश टूल की सहायता से, यहाँ से ब्रश टूल की सहायता से सिलेक्ट कर लीजिए और इसका बैकग्राउंड हम इसकी सहायता से चेंज करेंगे। बैकग्राउंड ब्रश टूल क्या है, इसके बारे में टूल्स के बारे में डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे, जैसे ही टूल्स में इसका नंबर आता है उसी समय हम पढ़ेंगे। सिंपली आपको इसका ऑप्शन बटन क्लिक करके इस यहाँ से साइज बढ़ा लेने, क्योंकि इसकी साइज आपके पास कम आएगी, क्योंकि ये जो है बैक कलर आप इसमें बैकग्राउंड में दोगे वो बैकग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा, तो इसके आप साइज कितनी भी रख सकते हैं। और अब देखिए जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है वो ब्लू ही क्यों आ रहा है, तो आपको यहाँ पर फॉर बैकग्राउंड कलर नहीं लेना है। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है वो अगर नीचे वाले फॉर बैकग्राउंड कलर, जैसे कि मैंने सेकेंड अध्याय में बताया था कि ये यहाँ पर कौन सा कलर कहाँ पर यूज में लिया जाता है, जब लेयर्स के बारे में हमने बात की थी तब। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर वाला कलर वो बैकग्राउंड कलर होता है, जो बैकग्राउंड में ही आएगा, यहाँ से जो यहाँ पर कलर होगा या फिर यहाँ पर जो कलर होगा वो ही बैकग्राउंड में कलर होगा। यहाँ पर आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपली अब मैं आपको इसमें बैकग्राउंड चेंज करके बता देता हूँ, ये देखिए ये देखिए। तो आप देखेंगे कि ये जो बालों में जो आ रहे हैं ना, जो व्हाइट बैकग्राउंड रह गया है ये अच्छे से नहीं हट पाया है, क्योंकि इस पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब आप कहोगे कि इसमें तो अच्छे से सिलेक्शन होगा ही नहीं, फिर हमें ये हटाना होगा, कैसे हटाएंगे। लेकिन अभी जो ये सीरीज चल रही है वो बेसिक सीरीज चल रही है, जैसे बेसिक सीरीज एक बार कंप्लीट होती है मैं आपको एडवांस सीरीज में इन्हीं सभी बातों के बारे में बताऊंगा। तो
आप बेसिक सीरीज तब तक के लिए सीख लीजिए, या फिर अभी आप ड्रिंक रहे तो ऐसी इमेजेस का यूज न ले। सिंपली कंट्रोल डी प्रेस करके मैं इसे सिलेक्शन को उठा देता हूँ और आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आप जूम करोगे आपके सामने जो कट की हुई है वो अच्छे से आपको दिखाई दे रही है। देखिए ये यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर जो आपको कटिंग है वो अच्छे से दिखाई दे रही है। एक के लिए ये देखिए यहाँ पर देखिए ये कटिंग आपको अच्छे से दिखाई दे रही है, बैकग्राउंड के साथ अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो पाई है। या फिर यहाँ से देख लीजिए, ये देखिए ये आपका काम बहुत ही बेकार सा लग रहा है। ये देखिए तो सिंपली अब इसमें वेदर देखते हैं कि वेदर से क्या इफेक्ट पड़ता है इसकी इस इमेज के ऊपर। सिंपली इसे कंट्रोल माइनस क्लिक करके हम इसे छोटा कर लेते हैं और कंट्रोल एल्ट जेड दबा करके हम इसे वापस उसी जगह चले जाते हैं इमेज के शुरुआत में। तो देखिए ये सिलेक्शन सिंपली सिलेक्शन को उठाने के लिए हम कंट्रोल डी का यूज लेंगे। ये देखिए और इसके बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। इसको यहाँ से ड्रैग करके थोड़ा सा सॉरी यहाँ से ले लीजिए। ये देखिए इमेज हमारे सामने आ गई। अब हमें कुछ नहीं करना, वापस से ये सिलेक्शन टूल पर लग जाना हो इस इमेज को क्या है सिलेक्ट कर देना है। जहाँ पर सिलेक्ट करना है शिफ्ट के साथ दबाए रखिए और इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट सॉरी ये सिलेक्शन टूल वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट। ये देखिए डबल क्लिक करके करना है और यहाँ से देखिए इसे भी सिलेक्ट कर लीजिए या फिर जो एरिया रह गया आप उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। और यहाँ से जो है वो सिलेक्ट हो चुका है, लगभग सारा का सारा इसने कवर कर लिया ऑटोमेटिक। सिंपली आपको ऑप्शन बटन पर क्लिक करके राइट बटन पर क्लिक करके इस तरह से देखना है और आपके सामने एक ऑप्शन आएगा फेदर। यहाँ पर जैसे आप फेदर पर क्लिक करोगे तो जो आपने लास्ट टाइम फेदर दी थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको कौन सी फेदर देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका इमेज जो है पासपोर्ट साइज है तो आप सिंपली 2 या 3 का फेदर दे। यदि आपका जो बैकग्राउंड का जो कलर है बहुत ही मल्टीमीडिया है यानी मल्टीपर्पल है तो आपके लिए सिंपली 3 या 4 का दे दीजिए और लास्ट हाईएस्ट 5 का दे दीजिए। 5 का थोड़ा ज्यादा हो जाएगा लेकिन आपके जो इमेज का ब्राइटनेस है थोड़ा ज्यादा है तो आप सिंपली 5 का भी दे सकते हैं, बाकी 3 या 4 में दे दीजिए, काफी अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए मैं इसमें 4 ही रहने देता हूँ और इस पर क्लिक करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। सिंपली मैंने 4 का इस पर फेदर दे दिया। अब इसमें हम बैकग्राउंड कलर दे करके देखते हैं क्या होता है। सिंपली मैं बैकग्राउंड कलर के लिए इस ब्रश टूल का यूज लेने वाला हूँ, एयर वाली, जैसे कि पहले बता चुका हूँ मैं। सिंपली अब देखते हैं बैकग्राउंड कलर करके। तो इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ये देखिए अभी कंट्रोल डिफ्रेस करके हम इसको क्या करते हैं सिलेक्शन को हटा देते हैं। अब आप जूम करके देखेंगे तो ये देखिए ये अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो कलर है वो ऐड करता जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपनी तरफ से देखिए, ये देखिए, ये देखिए अपनी तरफ से इसने कलर ऐड कर दिया है। या आप यहाँ पर ज्यादा भी ले सकते हैं वेदर, लेकिन 5 से ज्यादा न ले, याद रखिएगा। ये देखिए ये जो आप देख रहे होंगे कि व्हाइट वगैरह क्यों आ रहा है तो ये तो सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन आपका काम है वो काफी अच्छा दिख रहा है बैकग्राउंड को। पिछले काम की वजह इसने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा जो है पिक्सल्स में कलर दे दिया। एक्चुअली जो भी मैंने 4 या 5 वहां पर देखे थे फेदर के अंदर वो रेडियस थे, हम इसे फेदर की रेडियस बोलते हैं। तो ये रेडियस जो है आप 3 से 4 में ही दे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हुआ है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से मिक्सर हुआ है बैकग्राउंड वो है वो अच्छे से मिक्सर हो गया। लेकिन हैंड्स पर देखेंगे ये देखिए अच्छे से मिक्सिंग हो चुका है, अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आपकी इमेज बहुत ही अच्छी लगेगी। इस तरह से आप अगर यदि वेदर को देते हैं वेदर को सिलेक्ट करते हैं तो ये था वेदर का अध्याय। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे क्रॉप टूल के बारे में। अब आपको होगी कि क्रॉप टूल में ऐसा क्या है जो आप हमें समझा रहे हैं कि क्रॉप टूल तो सिंपली हम क्रॉप कर देते हैं इस तरह से। देखिए सिंपली हम क्रॉप को सिलेक्ट करके क्रॉप कर देते हैं, एंटर मार दीजिए, इस तरह से सिलेक्शन हो गई। लेकिन क्रॉप टूल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा और आप 100% श्योर हूँ कि शायद आप उन्हें नहीं जानते होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा क्रॉप टूल के बहुत सारे फायदे, बहुत सारी इनकी जो प्रॉपर्टीज है सारी के बारे में अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी फोटोशॉप की सीरीज देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा।